वेलकम टू कर्मेंको एजुकेशन, स्ट्राइव टू एक्सीलेंस। हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया कश्यप। कर्मेंको एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त 2020 से लिए गए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है बाघ, शेर, हाथी या लोमड़ी। जो इसका करेक्ट आंसर है वह है सी, हाथी। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स हैं राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है और इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों को निपटान का प्रबंधन भी करेगा। और यह पोर्टल जो है डेटा संग्रह है, जो है प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। और विश्व हाथी दिवस का जो लक्ष्य है हाथी संरक्षण पे जो है लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों में को भी साझा करना इसका उद्देश्य है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की? ऑप्शन है असम, बिहार, पंजाब या दिल्ली। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, असम। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स है लगभग 17 लाख परिवारों के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है असम सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना शुरू करने का जो है पूरी तरह से तैयार है। और इस योजना के तहत जो है आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए जो है पात्र परिवारों को 830 रुपये जो है प्रति माह दिए जाएंगे। और इस जो है असम में यह सबसे बड़ी जो है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। और इस योजना के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जो है 15 से 17 हज़ार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। और जो अरुणोदय योजना के लिए जो असम सरकार 210 करोड़ रुपये प्रति महीने वहन करेगी। इसी के साथ मैप देखेंगे, मैप में जैसे कि देख पाएंगे असम, और असम का जो स्टेट बना था ये 26 जनवरी 1956 में बना था। और जो यहाँ के गवर्नर है वो जगदीश मुखी जी हैं। जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के सर्बानंदा सोनोवाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और जो कैपिटल है इसकी वो है दिसपुर, जैसे कि आप यहाँ पर भी दिसपुर देख सकते हैं। और जो लार्जेस्ट सिटी है वो है यहाँ की गुवाहाटी। और जो टोटल डिस्ट्रिक्ट स्थित है असम में वो है 33। और जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे बॉर्डर को जो शेयर करता है असम अपना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पे देख पाएंगे वेस्ट बंगाल से भी अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है असम को, जैसे कि देख पाएंगे भारत के मैप में यहाँ पर स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? ऑप्शन है कमला हैरिस, दीपा अंबेडकर, अर्चना राव या मेधा राज। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, कमला हैरिस। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स है अमेरिका में इस साल नवंबर माह में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। और कमला हैरिस जो है 2 बार कैलिफोर्निया की जो अटर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। और कमला हैरिस जो है ऑकलैंड में पली बड़ी हैं और उन्होंने हॉवर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक भी डिग्री ली है। और इसके बाद कमला ने जो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करी और वे साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को की जो जिला वकील भी बनी थी। और हैरिस ने जो है 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सेनेटर के रूप में जो है शपथ भी ली थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कोरोना किस जो है स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए ही मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है चीन, रूस, जापान या भारत। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, रूस। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर
पुतिन ने जो है कोरोना की जो है स्पुतनिक की जो वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए जो है मंजूरी दे दी है। और रूस के जो है स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को का कहना है कि पहले चरण में जो है वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और उसके बाद जो है शिक्षकों को लगाई जाएगी। और रूस की जो कंपनी है सिस्टेमा ने जो है उत्पादन शुरू कर दिया है। और सरकार की जो योजना के अक्टूबर में वैक्सीन को पूरे रूस में जो है बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जो है ट्रेंसिंग ऐप भी तैयार किया गया है जो लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा। और ऐप से जो है उन लोगों पर भी नज़र रखी जाएगी जिन्हें यह वैक्सीन लग गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को जो है शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है इसका सी, आंध्र प्रदेश। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम को लॉन्च किया है। और मुख्यमंत्री रेड्डी ने जो है YSR चेयुता स्कीम को जो है 2020 के नाम से एक नई स्कीम की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत जो है 45 से 60 साल की जो उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। और राज्य की SC ST OBC और अल्पसंख्यक जो समुदाय ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को जो है इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। और इस योजना के तहत जो है महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का जो है इंसेंटिव मिलेगा। और इस स्कीम के तहत जो है इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से जो है 75,000 रुपये तक का जो ऋण भी दिया जाएगा। इसी के साथ एक बार मैप देखेंगे। मैप पर जैसे कि देख पाएंगे आप आंध्र प्रदेश, और इसको जो गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी, जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जो ये स्टेट बना था 1 अक्टूबर 1953 में बना था। जो कैपिटल है इसकी वो है अमरावती, जैसे कि यहाँ देख पाएंगे। जो बॉर्डर को शेयर कर रहा है अपना, बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अपने बॉर्डर को शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है। ऑप्शन है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, ADB या WHO। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, संयुक्त राष्ट्र। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल से संयुक्त राष्ट्र भारत में सबसे वंचित और प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तैयार है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस का जो है प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने जो है एशिया में बाढ़ की स्थिति के बारे में कहा कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों का सबसे भयंकर एवं सबसे लंबा मानसून आया है और 1/4 देश जो है बाढ़ से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून को जो है सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, कर्नाटक या गुजरात। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, गुजरात। डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स हैं इसके तहत किसानों को जो है उक्त स्थितियों में हुए नुकसान की जो भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिल सकेगा। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की नई योजना इस वर्ष के लिए जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो है स्थान लेगी। और हालांकि यह योजना केवल एक वर्ष के लिए लागू होगी और इस योजना के तहत जो है राज्य सरकार कुल 45,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। और इस वर्ष जो है खरीफ मीन्स मानसून के मौसम में जो है फसल बोने वाले किसानों को इस योजना के तहत भी लाभ मिलेगा। और क्षतिपूर्ति केवल तभी दी जाएगी जब फसल का नुकसान जो है 33% तक से जो है अधिक होगा, तभी इसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
इसी के साथ एक बार मैप देखेंगे। मैप में जैसे कि देख पाएंगे गुजरात और जो फॉर्मेशन हुई थी फर्स्ट में 1960 में की गई थी। जो गवर्नर है यहाँ के वो आचार्य देवव्रत हैं और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैं। जो कैपिटल है गांधीनगर है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो लार्जेस्ट सिटी है वो है अहमदाबाद, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे अहमदाबाद जैसे इसके नीचे ही स्थित है। और यहाँ पर जैसे कि देख पाएंगे गुजरात को जो अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है गुजरात, यहाँ देख सकते हैं राजस्थान, और यहाँ पे देख पाएंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। इसी के साथ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में गुजरात यहाँ पर स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है? ऑप्शन है 7, 2, 4 या 5। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी 2। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स है हिंदुस्तान जो है एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में कहा है कि वायुसेना के मिशन में सहयोग के लिए कम समय के नोटिस पर जो है उसके द्वारा निर्मित 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले स्थान पर तैनात किए गए हैं। सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर में 2 इंजन हैं और यह दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है, और यह HAL द्वारा विकसित किया गया था, और इस प्रकार यह देश की रक्षा की आवश्यकताओं को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरा करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल या 13 अगस्त। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है डी 13 अगस्त। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स है प्रतिवर्ष जो है 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत आता है जो फरवरी 1995 में लागू हुआ था, और अंगदान के जो अंतर्गत है अंगदाता के अंगों जैसे कि हृदय, लीवर, गुर्दे, आंत, फेफड़े और अग जो है अग्नाशय का जो है दान उसकी मृत्यु के पश्चात जरूरतमंद व्यक्तियों में प्रत्यारोपित जो है करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी छत्तीसगढ़। डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स है छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान किया गया है, और इसकी जो है शुरुआत जो है जगदलपुर किससे की गई है, और जहां नगर निगम ने जो है 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिए गए हैं, और जगदलपुर देश के जो है गिने चुने नगर निगम में शामिल है जिसकी सीमा में आज भी छोटे और बड़े जंगल क्षेत्र हैं। मुख्यमंत्री बघेल की विशेष पहल पर जो है वन अधिकार अधिनियम के तहत जो है शहरी क्षेत्र के जो निवासियों को भी वन अधिकार पत्रक देने की शुरुआत की गई है। इसी के साथ मैप देखेंगे, मैप में जैसे कि छत्तीसगढ़ देख पाएंगे आप जो कि इस प्रकार से स्थित है। जो फाउंड किया गया था 1 नवंबर 2000 में किया गया था। जो चीफ मिनिस्टर है वो है भूपेश बघेल जी। जो गवर्नर है अनुसुईया उके हैं। जो कैपिटल और जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो है रायपुर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो बॉर्डर को शेयर कर रहा है अपना छत्तीसगढ़, बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से ही अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का जो है शुभारंभ किया है? ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि लिए गए थे 14 अगस्त 2020 से। गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप इस वीडियो का जो PDF हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।